हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं मैडम वेब का हिंदी ट्रेलर, जो कि इंग्लिश का ट्रेलर तो काफ़ी पहले रिलीज हो चुका है, एक हफ्ता 10 दिन हो चुके हैं, और अभी कल रिलीज़ किया है इन्होंने हिंदी ट्रेलर। और ये 4 लैंग्वेजों में रिलीज करने वाले हैं इसको इंडिया में, और कब रिलीज होने वाला उसका डेट तो इसमें नहीं बता रहे हैं। बाकी चलिए फिर हिंदी का ट्रेलर देख लेते हैं। इंग्लिश का तो देख लिया मैंने, जब कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, और बाकी चलिए हिंदी में आ गया तो देख लेते हैं और समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3। हे, कम ऑन, अपना सामान उठाओ और चलो यहां से। ये कौन है? विलन? दोबारा कोशिश करती हूँ। टाइम ट्रेवल कर रही है तो? एक हफ्ते पहले मैं वक्त के साथ मुकाबला कर रही थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। उन्हें बचाने के लिए जिनका वक्त पूरा हो चुका था, और फिर एक ही पल में सब कुछ बदल गया। क्या बात है, तुमने मौत को चकमा दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बहुत सारे विजन्स आते हैं। मैं जानती थी कि वो मरने वाला था। शायद मैं भविष्य देख सकती हूँ। यॉर्क शहर आजकल पागलपन के नए दौर से गुजर रहा है। यॉर्क शहर आजकल पागलपन के नए दौर से गुजर रहा है। ये एक इमरजेंसी है, ट्रेन से उतर जाओ। वो आदमी तुम्हें मारना चाहता है। क्यों? तुम हो कौन और ये हो क्या रहा है? मैं भविष्य देख सकती हूँ। ओह, ये क्या था? उसे ये तो नहीं देखा। देखो, ये ऐसे काम नहीं करता। मैंने उस आदमी को पहले भी देखा है। तो वो है कौन? इजिकल सिम्स। मरने से पहले जब मेरी मॉम अमेज़न के जंगल में स्पाइडर्स पर रिसर्च कर रही थी, तब वो उनके साथ था। एक मिनट, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरी बिल्डिंग में रहती हो। तुम पैरामेडिक हो ना? हाँ, याद है तुमने मुझे कुचल ही दिया था। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि कैसे हम सब जुड़े हुए हैं? सच कहूं तो इससे भी ज्यादा अजीब चीजें आज मेरे साथ हुई हैं। पता है वो लड़कियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। शायद वो भी भविष्य देख सकता है, और वो सब कुछ बदलना चाहता है। जूलिया, नीचे बैठो। तुम सबका भविष्य बहुत अलग था। अगर जिंदा रहना है तो मुझ पर भरोसा करना होगा। तैयार हो जाओ अभी। इतना दिखावा मत करो, थोड़ा तो बनता है। मैडम वेब, मैडम वेब आ रही है नजदीकी सिनेमा घरों में। तो इसी के साथ ट्रेलर हो चुका है ख़त्म, और ट्रेलर देखने के बाद लग रहा है स्टोरी, जैसे कि आप ट्रेलर में देखा होगा, ये टाइम ट्रेवल कर सकती है, और आगे क्या होने वाला है वो पूरा देख सकती है। आगे क्या होने वाला है अभी कुछ देर में वो सारे अपना देख सकती है, पहले ही उसका भविष्यवाणी कर लेती है। और ये मूवी लग रहा है फेमिनिस्ट से भरा हुआ है, क्योंकि सारे जितने भी कैरेक्टर है, मेन लीड कैरेक्टर, वो सारे लड़कियां हैं, और विलन जो है एक आदमी है, स्पाइडर, सस्ता स्पाइडरमैन बोल सकते हैं उसको। और इस मूवी को मैं बोलूँगा भाई स्पाइडरमैन यूनिवर्स का सबसे सस्ता फैन मेड मूवी इसको बोल सकते हैं। तो ये ट्रेलर देखने के बाद ही लग रहा है कि ये फैन मेड ट्रेलर बनाया है इन्होंने, जैसा कि फैन मेड कोई ट्रेलर बना दिया है उस तरह से लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि ये भाई सोनी वालों ने ये मूवी बनाई है, और स्पाइडर मैन के यूनिवर्स का ये मूवी है, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा। और पूरा ट्रेलर मैंने देखा है तो भाई कुछ महसूस ही नहीं हो अंदर से। कुछ होता है ना, स्पाइडर मैन का जो यूनिवर्स का मूवी आती है तो अंदर से एक्साइटमेंट होता है कि हाँ कुछ आएगा आएगा, लेकिन कुछ पूरा फ्लैट, ये ट्रेलर को बोलेंगे पूरा फ्लैट निकल गया, कुछ महसूस ही नहीं हुआ अंदर से, कुछ एक्साइटमेंट हुआ ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट था ये ट्रेलर, और मज़ा नहीं आया। लग रहा है पूरा ये मूवी निकल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा।
तो चलिए, ये ट्रेलर मुझे तो पसंद नहीं आया। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।